जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे सोरिक मोटर वर्ल्ड। और गाइस मेरे पीछे आज है द ब्रांड न्यू 2022 होंडा लीवो। और आज बेसिकली मैं इसका आपको फाइनेंस स्कीम बताने जा रहा हूँ। इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, लगभग 40% डाउन पेमेंट पे एंड 50% डाउन पेमेंट पे आपका मंथली कितना ईएमआई आने वाला है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं ये जो है ड्रम वेरियंट है। तो आज मैं ड्रम वेरियंट का फाइनेंस स्कीम बताने जा रहा हूँ। ड्रम वेरियंट का प्राइस मैं बता दे रहा हूँ 89,313 रुपीज़ अप्रॉक्स कोलकाता ऑन रोड प्राइस। आपका स्टेट में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और मैं जो फाइनेंस स्कीम बताऊँगा ये सबके लिए है, मतलब इसके लिए कोई भी आपको सैलरी स्लिप या फिर ITR फाइल वगैरह नहीं दिखाना पड़ेगा। आपको मिनिमम जो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो है 22,500 रुपीज़ अप्रॉक्स डाउन पेमेंट से कोई भी बंदा इस बाइक को ले सकता है। ओनली 22,500 रुपये आप अगर डाउन पेमेंट करते हो तो ये बाइक मिल सकता है। और इसके लिए आपका मंथली जो EMI आएगा, पहले मैं 3 साल के लिए बता रहा हूँ, 36 महीने के लिए 2,672 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 3 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। आप अगर 30 महीने के लिए लेंगे तो 3,083 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 30 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। आप अगर 2 साल के लिए लेंगे यानी 24 महीने के लिए लेंगे तो 3,675 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको हर महीना EMI आने वाला है। और ये ऑल अमाउंट जो बता रहा हूँ आपको, अप्रॉक्स अमाउंट बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर डेफिनेटली हो सकता है। और इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये मिनिमम डाउन पेमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। और मैं जो फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ ये है IDFC फर्स्ट बैंक का फाइनेंस स्कीम आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको मिनिमम डाउन पेमेंट बता दिया 22,500 रुपीज़ अप्रॉक्स। ओके, आप अगर लगभग 35,000 डाउन पेमेंट करते हो, आप अगर लगभग 35,000 डाउन पेमेंट करते हो उसके लिए आपका कितना EMI आएगा एंड उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अभी मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप अगर 35,000 डाउन पेमेंट करते हो उसके लिए आपका 24 महीने के लिए जो EMI आएगा 3,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको हर महीना EMI आने वाला है 2 साल तक। आप अगर 30 महीने के लिए लेंगे, 30 महीने के लिए लेंगे तो 2,542 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको हर महीना EMI आने वाला है 30 महीने तक। और आप अगर 36 महीने के लिए लेंगे यानी 3 साल के लिए लेंगे तो 2,200 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 3 साल तक हर महीना EMI आने वाला है। और इसका भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9.99% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। और अभी जो फाइनेंस स्कीम बताऊंगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबसे कम है वो है 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट का फाइनेंस स्कीम अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये बाइक का अगर वॉकअराउंड आप लोग अगर नहीं देखे, मतलब क्या अपडेट वगैरह आपको 2022 में देखने को मिल रहा है वो वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे तो आई बटन से लिंक आ रहा है, आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूरा अपडेट जो है मैं एक एक चीज़ जो है एकदम पॉइंट करके मेंशन किया हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हो। तो अभी आते हैं, आप अगर लगभग 40,000 डाउन पेमेंट करते हो, आप अगर 40,000 डाउन पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो है सबसे कम 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये बाइक मिल जाएगा 40,000 डाउन पेमेंट से। ओके, और इसके लिए आपका जो मंथली जो EMI आने वाला है 24 महीने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा हूँ 2,683 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2,700 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है। और आप अगर 18 महीने के लिए लेंगे, इसका मैक्स टू मैक्स जो है 24 महीना होता है और सबसे लोएस्ट जो है आई गेस 18 महीने का होता है। तो 18 महीने के लिए आप अगर लेंगे तो 3,450 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको हर महीना EMI आने वाला है 18 महीने तक। और इसको छोड़ के आपको अगर कोई भी फाइनेंस स्कीम जानना है, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर बाहर का स्टेट से हो तो आपका नियरेस्ट जो होंडा का डीलर है या फिर शोरूम है तो आपको उसी शोरूम में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री रोड टैक्स अलग होता है, प्राइस अलग होता है, RTO चार्जेस वगैरह बहुत कुछ चार्जेस रहता है, तो वो सब आपका डिफरेंट होता है। तो आपका नियरेस्ट डीलर में आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। और फाइनेंस पे लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा, सिर्फ आपका KYC लगेगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगेगा, और आपका जो बैंक से ट्रांजैक्शन होता है एंड आपका जो बैंक से पैसा जो है करने वाला है, मतलब
जिसके थ्रू आपका फाइनेंस जो होगा, तो उस बैंक का आप डिटेल्स आप जरूर कैरी कर लेना। आपके पास अगर उस बैंक का पासबुक है तो आप जरूर कैरी कर लेना, और एटीएम कार्ड अगर रहेगा तो आप जरूर कैरी कर लेना। फ़ोटो वगैरह जो है अभी डिजिटली उठाया जाता है, तो फ़ोटो वगैरह आपको कैरी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग का अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, सेफ ड्राइव, सेफ राइड। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय गाइस।